हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ धर्मेंद्र। आप देख रहे हैं ऑनलाइन फ्री स्टडी यूट्यूब चैनल। आज हम पढ़ेंगे टाइम डिस्टेंस, समय दूरी, या फिर हम बोल सकते हैं टाइम डिस्टेंस है स्पीड। ठीक है, इस पर्टिकुलर चैप्टर में हम आज इसका बेसिक पढ़ेंगे। बेसिक इन द सेंस, इसमें हम जो फॉर्मूले यूज़ करते हैं वो कैसे आते हैं, और जो कन्वर्जन होते हैं यूनिट्स के वो कैसे करते हैं। ठीक है, वो सारी चीज़ें पढ़ेंगे। ठीक है, और मैं आपको पहले बता दूं, मैंने ऑलरेडी और भी वीडियो डाल चुका हूँ, मैं जो और भी मैथमेटिक्स की सारी वीडियो हैं वो डाल चुका हूँ। तो आप जाकर वहाँ पर मेरी प्लेलिस्ट में आकर, या इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपका लिंक मिल जाएंगी, जो भी सारी वीडियोज़ हैं वो आप देख सकते हैं। ठीक है, ओके, तो हम स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। देखिए होता क्या है, अगर देखिए मान लीजिए, अगर आपको जैसे बोल दिया जाए कि कोई दूरी है, ठीक है, कोई दूरी है, तो वो कैसे नापेंगे। ठीक है, ठीक है, तो आप बोलोगे दूरी को तो किलोमीटर में नापते हैं। ठीक है, आप और फिर उसको बोलोगे, अगर आपसे बोला जाए कि समय को कैसे नापते हैं आप, समय का यूनिट क्या होता है, तो आप बोलोगे समय का यूनिट एक तो हावर होता है, और एक मिनट होता है, और एक सेकेंड भी हो सकता है। ठीक है, तो हम इसमें मिनट को नहीं जोड़ते हैं, हमारा सेकेंड और हावर ही चलता है। ठीक है, ओके, और किलोमीटर में किलोमीटर और मीटर ही चलता है। ठीक है, ओके, तो देखिए अगर मैं आपसे बोलूं कि स्पीड क्या होती है, आपसे बोलूं कि स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है, देखिए, तो आपको स्पीड का फॉर्मूला याद करने की ज़रूरत नहीं है। आपको सिंपल सा क्या करना है, किलोमीटर पर आवर आपको यूनिट लिख देनी है, किसकी, स्पीड की। ठीक है, अब क्या देखने वाली, कोई भी चीज़ चाल चलती है, तो वो किसी, जैसे मालूम कोई, जैसे मेरी मैं अपनी बाइक चलाता हूँ, तो वो मेरी बाइक मैं चला रहा हूँ 40 किलो प्रति हावर की, मतलब 40 किलोमीटर जा रहा हूँ मैं 1 घंटे में। ठीक है, ओके, 1 घंटे में मैं 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चला रहा हूँ मैं गाड़ी को। ठीक है, तो इसका मतलब है क्या, देखिए, अब इसी से हम अपना फॉर्मूला ड्राइव करेंगे। किलोमीटर किस में आता है, किलोमीटर किसकी यूनिट है, किलोमीटर है दूरी की, किलोमीटर है दूरी की यूनिट। ठीक है, और हावर क्या है, समय की यूनिट। ठीक है, तो इससे हमारा बन गया डिस्टेंस अपॉन टाइम। ठीक है, ओके, स्पीड का फॉर्मूला हमारा आ गया डिस्टेंस अपॉन टाइम। ठीक है, ये इतना सिंपल सा फॉर्मूला, ये आज आपको याद करना है। ठीक है, और याद नहीं करना, वैसे तो मैंने आपको बता दिया, ऐसे आप भूलेंगे ही आगे। ठीक है, सिंपल सा फॉर्मूला, वो आपको याद ही हो जाएगा। ठीक है, ओके, तो देखिए अब चाल होती क्या है, यानी कि चाल होती क्या है, चाल मतलब स्पीड, दूरी दूरी बटे समय होता क्या है, अगर आपसे पूछ लिया जाए तो। किसी निश्चित समय में, मतलब किसी निश्चित समय में चली गई दूरी को, किसी निश्चित समय, मतलब कोई समय दिया है, एक निश्चित समय में चली गई दूरी को, मतलब निश्चित समय में चली गई दूरी को चाल कहते हैं। क्या कहते हैं, चाल कहते हैं। ठीक है, ओके, अब ये सिंपल सा फॉर्मूला ही आपको याद करना, याद कर दिमाग में रखना, और कोई दिक्कत नहीं है। देखिए, अगर देखिए यहाँ तो आपको दिया है किलोमीटर में, ठीक है, और अगर मैं यहाँ इसको किलोमीटर को, देखिए दो यूनिट होती है हमारे पास, एक तो किलोमीटर में, किलोमीटर प्रति हावर में, और एक मीटर प्रति सेकेंड में। ठीक है, देखिए वही चीज़ है, मीटर डिस्टेंस की यूनिट है, सेकेंड टाइम की यूनिट है। ठीक है, आपको याद रखना है, मैं इनका कन्वर्जन जो होता है मैं बताऊंगा आपको। अभी हम सिंपल क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, देखिए हमारा पहला क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन देखिए मैं आपको बता देता हूँ, पहला क्वेश्चन है क्या, एक साइकिल द्वारा 240 किलोमीटर की दूरी 8 घंटे में तय तय हो तो साइकिल की चाल ज्ञात कीजिए। देखिए यहाँ पर हमें दिया क्या क्या है वो देख लेते हैं। एक साइकिल द्वारा 40 किलोमीटर, 40 किलोमीटर अगर आता है तो हमेशा डिस्टेंस होती है। ठीक है, 240 किलोमीटर, ठीक है, किलोमीटर में आएगा। ठीक है, इसमें एक ही यूनिट है, दो यूनिट नहीं है। अगर मैं आपको बताऊंगा कैसे इसमें
आपको निकालना, ठीक है, मतलब आपको पहचानना क्या है, दूरी कौन सी है, चाल कौन सी है। कभी कभी अगर 1 घंटे तो हमें समझ में आता है, चाल और दूरी में कन्फ्यूजन हो जाता है कभी कभी, ठीक है। 8 घंटे यानी कि टाइम दिया हुआ है, 8 आवर, ठीक है। और साइकिल की चाल पता करना है, चाल मतलब स्पीड पता करना है, ठीक है। स्पीड हमें पता नहीं है, तो इसमें मैंने आपको फॉर्मूला बताया था स्पीड का, स्पीड का मैंने फॉर्मूला बताया किलोमीटर पर आवर, ठीक है। किलोमीटर क्या है हमारे पास, किलोमीटर है दूरी, तो दूरी 240 किलोमीटर, 240 यहाँ पर हम किलोमीटर लिख लेते हैं। मैं आपको बताऊँगा क्या मैं किलोमीटर लिख रहा हूँ यहाँ पर, ठीक है। और टाइम, टाइम कितना, 8 घंटे, ठीक है, यहाँ बटे में आवर लिख लेते हैं, ठीक है, HR आवर लिख लेते हैं। तो 8 * 24, ठीक है, 30। अब देखिए अब यूनिट कैसे बनेगी, किलोमीटर पर हावर, ये यूनिट बन गई है चाल की, क्या हो गया, यूनिट बन गई है चाल की, ठीक है। यहाँ पर मैंने इसलिए लिखा था ऐसे, किलोमीटर 240 किलोमीटर है और 8 घंटे हैं, ठीक है, तो हम इसको काटेंगे तो कैसे बन जाएगा, 30 किलोमीटर प्रति हावर, ठीक है। तो ये यूनिट हो गई चाल की, तो आपको समझ में आ गया चाल हमेशा कैसे किस यूनिट में आती है और यूनिट कैसे आ गई है ये, ठीक है। एक्चुअल में क्या होता है कभी कभी कंफ्यूज हो जाता है यूनिट कैसे आई है, तो हम अभी आज निकाल लिया हमने और सीख लिया, ठीक है। देखते हैं हम अगला क्वेश्चन, देखिए अगला क्वेश्चन है दो, अगला क्वेश्चन है दूसरे नंबर का। एक कार द्वारा 160 किलोमीटर की दूरी दो सही 1/2 घंटे में तय हो तो चाल ज्ञात कीजिए, ठीक है। अब थोड़ा सा यहाँ पर कंफ्यूज कर दिया उसने और कुछ नहीं किया, ठीक है। अब देखिए हमें दिया क्या है, किलोमीटर मतलब दूरी दी है, डिस्टेंस दी है 160 किलोमीटर, ठीक है। और उसने दिया है घंटा यानी कि टाइम दिए हैं, घंटे दिए हैं, टाइम दिया है, तो उसको हम सरल कर लेते, 2 * 4 = 5, 5/2 हम इसको कर लेते हैं, इसका यहाँ इसमें इंटू करेंगे 2 का 2 में और प्लस कर देंगे 1 में, तो 5/2 जाएगा, ठीक है। अब तय करता है, तो चाल ज्ञात कीजिए यानी कि स्पीड हमें निकालना है। स्पीड का फॉर्मूला बताई है आपको, स्पीड का फॉर्मूला था डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस मतलब किलोमीटर में, टाइम मतलब किसमें, हावर में, ठीक है। हमें घंटे में निकालना है तो हमें घंटे में निकालना पड़ेगा, अगर देखिए यूनिट अगर चेंज हो रही है तो यूनिट हमें चेंज करनी पड़ेगी, ठीक है। ओके वो मैं बताऊंगा कैसे आगे भी क्वेश्चन करेंगे हम, तब ठीक है। स्पीड अब देखिए स्पीड निकालेंगे हम, ठीक है। अब स्पीड कैसे निकालेंगे, इसे मान लीजिए 160 दिया है हमें, अब हमें दिया है 5/2, तो 5/2 का ये 2 जो है नीचे वाला ये यहाँ पहुंच जाएगा, कहाँ, इनटू में, तो ये 160 दो ये आ जाएगा, ठीक है। 5 * 3 = 15, 1 * 5 = 10, 30 इनटू कितना आएगा, ये आएगा, ठीक है। तो ये 60 कितना जाएगा, यहाँ पर 32 आ जाएगा ये, ठीक है, 32 * 64 आ जाएगा, ठीक है, 64 आ गया। अब हमें डिस्टेंस, हमें इसका यूनिट का नहीं पता था, देखिए ये 160 किसमें था, किलोमीटर में, टाइम किसमें था, टाइम हावर में होगा, किलोमीटर पर हावर, ठीक है, 64 किलोमीटर पर हावर होगा, ठीक है फ्रेंड्स। ये हमारा अगला क्वेश्चन हो गया, तो फ्रेंड्स हमारा तीसरा नंबर का क्वेश्चन है। तीसरे नंबर के क्वेश्चन के लिए देखिए थोड़ा सा मैं आपको समझा देता हूँ पहले से, ठीक है। तो देखिए इस क्वेश्चन में थोड़ा सा आपको समझना पड़ेगा, ठीक है, उसके बाद हम क्वेश्चन करेंगे। अब देखिए एक कार 40 मीटर प्रति सेकंड की चाल से 2 मिनट में कितनी दूरी तय करेगी, ठीक है। अब मैंने आपसे बोला था कि यूनिट समान होना चाहिए, क्या होना चाहिए, यूनिट समान होना चाहिए। अब दूरी तय, अब दूरी किसमें होती है, दूरी मतलब डिस्टेंस होती है, ठीक है, डिस्टेंस हमें निकालना है, ठीक है, डिस्टेंस हमें निकालना है, ठीक है। तो स्पीड का फॉर्मूला था हमारा डिस्टेंस अपॉन टाइम, ठीक है। तो अगर हम स्पीड इंटू टाइम कर दें तो हमारा डिस्टेंस आ जाएगा, ठीक है, कैसे
क्या जाएगा हमारा, डिस्टेंस आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए इसमें दिया क्या क्या है हमें, हमें दिया है स्पीड दी है मीटर प्रति सेकंड, यानी कि 2 यूनिट मिल रही हैं तो मीटर प्रति सेकंड, यानी कि स्पीड दी है, डिस्टेंस लिख लेते हैं, स्पीड दी है 40, ठीक है, इनटू, अब देखिए टाइम में प्रॉब्लम है। मैंने आपको बोला था, एक नोट लिख लीजिए, कभी भी टाइम जो होता है मिनट में नहीं होता है, यहाँ पर टाइम मिनट में नहीं होता है, या तो हावर में होगा या सेकंड में होगा, इसमें होगा या तो हावर में होगा या सेकंड में होगा। तो देखिए 2 मिनट को हम चेंज कर लेते हैं तो 2 मिनट में कितने सेकंड होते हैं, 2 मिनट को हम चेंज कर लेंगे, ठीक है, तो 2 मिनट में 120 सेकंड होते हैं, यानी 60 सेकंड 120 सेकंड हो गए, ठीक है, 12 चौक 48 कितने हो गए, 12 चौक 48, ठीक है, 48 होगा, ठीक है। अब देखिए यूनिट कैसे आई, देखिए अब मैं आपको यूनिट का बताता हूँ, यहाँ पर था मीटर प्रति सेकंड, यहाँ पर, ठीक है, और इसमें था मिनट को हमने सेकंड में चेंज कर लिया तो सेकंड हो गया, तो इस सेकंड से सेकंड कट गया, ये आ गया मीटर, यानी कि डिस्टेंस आ गई 4800 मीटर की, ठीक है। ओके फ्रेंड्स, ये हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया है, ठीक है। इससे बेहतर आपको बताएगा कोई नहीं, क्योंकि कोई ये नहीं बताता कि यहाँ पर मीटर कैसे आया है, ठीक है, यूनिट कैसे कट गई है, ठीक है। ओके, आपको सिर्फ सवाल क्वेश्चन करके छोड़ देते हैं, अगर मान लीजिए यहाँ पर यूनिट चेंज हो जाती है वो, अगर इसको किलोमीटर को अगर मीटर को किलोमीटर में कर देता, यहाँ पर कुछ लिख देता, तो आप आंसर गलत भी लगा कर आ सकते हैं, ठीक है। इसलिए मैंने आपको ये ऑलरेडी बता चुका हूँ कि कैसे यूनिट चेंज हो रही है, ठीक है। ओके फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स देखिए अगला कॉन्सेप्ट हम पढ़ेंगे अभी, ठीक है, थोड़ा सा अगला कॉन्सेप्ट है उसे भी हम समझेंगे, ठीक है। अलग अलग कॉन्सेप्ट के मैंने क्वेश्चन लिए हैं और ऐसे क्वेश्चन लिए हैं जो आपको भी बेसिक आपका तैयार कर दे, ठीक है। बेसिक का मतलब है आप बेसिक से या एकदम से करना, मतलब अगर आपको एकदम से मैं टफ क्वेश्चन दूंगा तो आपको मुश्किल होगी, ठीक है, तो थोड़ा थोड़ा हम लेवल बढ़ाएंगे हर क्वेश्चन के बाद, ठीक है। तो देखिए अब इसमें क्या बोला है, 72 किलोमीटर पर हावर को मीटर प्रति सेकंड में बदलो, मीटर प्रति सेकंड बदलो, ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ये CHSL में पिछले बार CHSL का जो पेपर्स हुए थे, रेलवे के पेपर्स हुए थे, उनमें सब में पूछा गया था, ठीक है। तो देखिए अब मैं आपको कुछ एक इम्पोर्टेंट बात बताने वाला हूँ, ठीक है, बहुत इम्पोर्टेंट बात बताने वाला हूँ, ठीक है। अगर किलोमीटर पर हावर को बदलना है हमें मीटर पर सेकंड में, किसमें सेकंड बदलना है, तब ठीक है, या मीटर प्रति सेकंड को किलोमीटर पर हावर में बदलना है, ठीक है, तब हम क्या करते हैं। देखिए अब मैं आपको एक चीज बताता हूँ, देखिए 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं, 1000 मीटर, और एक हावर में कितने सेकंड होते हैं, 1 घंटे में 60 मिनट और 60 सेकंड होते हैं 1 घंटे में, ठीक है, ओके, ठीक है, 1 मिनट में, ठीक है, तो ये 3600 होते हैं, कितने होते हैं, 3600 होते हैं, ठीक है, 3600 सेकंड होते हैं, तो 2 जीरो से 2 जीरो काट देंगे हम, ठीक है, 5 दूनी 10, ठीक है, सॉरी 5 दूनी 10 नहीं, मैं यहाँ पर हम 2 पंजे 10, 2 एकम 2, 2 अट्ठे 16, तो 5 पंजे 10 आएगा यहाँ, ठीक है, 5 आएगा, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर अगर जब जब भी कोई भी सिचुएशन हो, मतलब कि यहाँ पर या किलोमीटर से मीटर प्रति सेकंड में आ रहे हैं हम, बड़ी से छोटी में आ रहे हैं, तो हम इंटू करेंगे 5/18 का, क्या करेंगे, बड़ी से छोटी की ओर आ रहे हैं तो छोटी यूनिट का इंटू करेंगे, और जब हम छोटी से बड़ी में आ रहे हैं हम इसी को उल्टा कर दें, क्योंकि तो अब 3600 मीटर ऊपर चला जाएगा और ये नीचे जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा, 18/5। तो आपको देखिए पहले आपको ये पता होता होगा, रहता होगा कि भाई 18/5, ये 5/18 हम रखते हैं, लेकिन क्यों रखते हैं वो नहीं बताया, तो मैंने आज आपको ये क्लियर कर दिया है, ठीक है। अगर हमें छोटी यूनिट में कन्वर्ट, हमें बड़ी से छोटी में आना है, तो छोटी यानी कि 5/18, अगर हमें मान लीजिए अगर हमें
बड़ी से यानी छोटी से बड़ी में आना है, ये मीटर से आना है किलोमीटर में, तो 18/15 का ठीक है इंटू कर देते हैं हम। ठीक है तो हम अब देखिए इसमें हमें करना क्या था, इस क्वेश्चन में हम पहले इस क्वेश्चन में सॉल्व कर लेते हैं, फिर देखते हैं और भी आगे क्वेश्चन होंगे उनको और भी मैं समझाऊंगा। इसमें एक ट्रिक भी है और ऐसी ट्रिक है कि आपका सॉल्व मिनटों में हो जाएगा। ठीक है ओके तो देखिए 72 किलोमीटर, 72 है, अब ये किलोमीटर पर हावर है को मीटर प्रति सेकंड में बदलिए। मैंने बोला था किलोमीटर पर हावर को मीटर प्रति सेकंड में बदलने के लिए 5/18 का इंटू करना होता है। 5/18 क्यों भाई? क्योंकि हम बड़ी से छोटी में जा रहे हैं, बड़ी से क्या कर रहे हैं, बड़ी वाली संख्या उससे छोटी में जा रहे हैं, तो 5/18 रखेंगे। ठीक है ओके इसको हम काटेंगे। ठीक है हम इसको हमें इसे को काटना पड़ेगा, काटेंगे तो कितना आएगा, हम इसको काटेंगे तो हमारा आएगा 20 मीटर प्रति सेकेंड। कितना आएगा, 20 मीटर प्रति सेकेंड हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है ओके ये हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया, मीटर प्रति सेकेंड में आएगा क्योंकि हमने मीटर प्रति सेकेंड में इसको कन्वर्ट करा है। ठीक है फ्रेंड्स तो अगला क्वेश्चन अब देखते हैं। फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन देखने से पहले मैं आपको एक चीज बता देता हूँ, आपको बोला था मैंने अभी हम शॉर्ट ट्रिक भी इसमें यूज कर सकते हैं, तो आपको सिंपल सा 5 का और 18 का पहाड़ा पढ़ लेना है। 5 × 10, 5 × 3 = 15, 5 × 4 = 20 और 5 = 25, मतलब इतना ही पढ़ लीजिए और आगे भी आप खुद से कर सकते हैं। ठीक है 18 का पढ़ लीजिए, 18 × 1 = 18, 18 × 2 = 36, 18 × 3 = 54, ठीक है 18 × 4 = 72, 18 × 5 = 90। ठीक है देखिए आज मैंने आपसे क्यों बोला, क्योंकि देखिए कभी कभी क्या होता है डायरेक्ट पूछता है 5, अगर उसने बोला 5 किलोमीटर, 5 किलोमीटर पर हावर को मीटर प्रति सेकंड में कन्वर्ट करिए तो वो कितना जाएगा 18, कितना जाएगा 18। उसने बोला 36 किलोमीटर प्रति मीटर प्रति सेकंड को किलोमीटर में चेंज करिए तो वो जाएगा 10 किलोमीटर। ठीक है आप इसको डायरेक्ट कर सकते हैं, ठीक है खुद से भी डायरेक्ट कर सकते हैं और आप चाहें तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करके भी कर सकते हैं। ठीक है ओके तो देखिए अब आज जो हम जो क्वेश्चन है हमारा वो पढ़ लेते हैं पहले। 15 मीटर प्रति सेकंड को किलोमीटर किलोमीटर पर हवा में बदलिए, 15 मीटर प्रति सेकंड को, तो पहले 15 लिख लेते हैं। अब मीटर क्या है, एक मीटर किलोमीटर से छोटी संख्या है, छोटी यूनिट है, तो मैंने बोला था जब छोटी से बड़ी में जाएंगे, जब छोटी से बड़ी में जाएंगे तो 18 का इंटू करेंगे 18/15 का, 5 × 3 = 15, 18 × के कितना आया 54। अब हमने किलोमीटर में चेंज किया था, किलोमीटर पर हावर आंसर आ जाएगा हमारा। ठीक है ये हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। ऐसे क्वेश्चन आ रहे हैं, अब थोड़ा सा और डिफिकल्ट क्वेश्चन आएंगे जो मैं आगे आगे आपको बताते जाऊंगा। ठीक है तो क्वेश्चन मतलब छोड़िए मत, जाइए बैठ जाइए नहीं, क्योंकि आपको लग रहा होगा सिंपल क्वेश्चन, लेकिन आप क्वेश्चन और आगे अच्छे आने वाले हैं। ठीक है तो देखिए अगला क्वेश्चन हम पढ़ लेते हैं। एक व्यक्ति द्वारा 1200 मीटर की दूरी 40 सेकंड में पार करे तो उसकी उसकी चाल क्या होगी, और कोष्टक में लिखा हुआ है, ब्रैकेट में लिखा हुआ है किलोमीटर प्रति हावर में बताइए दूरी, जो चाल है जो उसकी किलोमीटर पर हावर बताइए। अब उसने बोला एक व्यक्ति है उसके द्वारा 1200 मीटर की दूरी 40 सेकंड में तय की गई है। ठीक है 40 सेकंड में तय की गई, तो उसने बोला स्पीड बताइए यानी चाल बताइए किलोमीटर पर हावर में बताइए। ठीक है ये ऐसा क्वेश्चन आते हैं, सिंपल सा क्वेश्चन लेकिन इसमें कुछ भी नहीं है, स्पीड बराबर डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है हमारा, हमें पता है। तो डिस्टेंस क्या है 1200 मीटर, ठीक है, और टाइम कितना है, टाइम है 40 सेकंड। यहाँ पर हमने चेंज इसलिए नहीं करा है क्योंकि सेकंड में दिया है और यहाँ मीटर में दिया है, मीटर प्रति सेकंड का एक यूनिट होता है। ठीक है अगर यहाँ किलोमीटर, यहाँ पर किलोमीटर होता चेंज करते हम, यहाँ पर हावर होता और यहाँ पर मीटर होता, तो इसे भी चेंज करते। ठीक है दोनों में से किसी भी एक चीज़ को चेंज करते जिस हिसाब से हमारा ऑप्शन में आंसर होता। ठीक है हमें ऑप्शन को देखकर भी कभी कभी क्वेश्चन करना पड़ेगा। ठीक है
एक जीरो कट गई, चार तीस बारह, तीस आ गया हमारा डिस्टेंस कितना था, मीटर प्रति सेकेंड। क्या आ गया हमारा आंसर, मीटर प्रति सेकेंड आ गया। ठीक है, अब देखिए, अब हम क्या करते हैं, देखिए यहाँ पर क्वेश्चन उसने पूछा है किलोमीटर पर हावर में आंसर बताइए, क्या बताइए, किलोमीटर प्रति हावर में। अब किलोमीटर यानी मीटर से किलोमीटर में आना है, तो 30 का इंटू करेंगे हम 18/5 में। ठीक है, अभी तो हमने क्या करा था, हमें मैंने बोला था ऑप्शन को देख कर करेंगे, लेकिन अगर आपको ये बोला ही हो उसने कि किलोमीटर पर हावर में आंसर बताइए, अगर मीटर प्रति सेकेंड में आएगा तो किलोमीटर पर हावर में बताइए, तो इसको करना पड़ेगा। ठीक है, 5 × 6 = 30 और 18 इंटू करेंगे 60 में, तो ये हमारा आ जाएगा 108। कितना आ जाएगा, 108 आ जाएगा। ठीक है, 5 × 6 सॉरी 18 नहीं आएगा, 5 × 6 = 30 आएगा। ठीक है, तो ये 108 किलोमीटर पर हावर आ जाएगा हमारा। ठीक है, ये आंसर आ गया हमारा, स्पीड आ गई। ठीक है, क्या गई हमारी, स्पीड आ गई। ठीक है फ्रेंड्स, ये सिंपल से क्वेश्चन है और कुछ भी नहीं है, आपको थोड़े से अपने रेगुलर प्रैक्टिस में लानी पड़ेंगे। ठीक है, तो आप जल्दी जल्दी इसको कर पाएंगे। ठीक है, तो देखिए अगला कॉन्सेप्ट भी बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है, इसी प्रकार के क्वेश्चन आते हैं हमारे एग्जाम्स में, सीजेल में भी आते हैं और बैंक में और रेलवे में, सब में इस प्रकार के क्वेश्चन जरूर आते हैं। ठीक है, तो देखिए दो कार की चाल का अनुपात 4:5 है। ठीक है, तो समय का अनुपात क्या ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो यहाँ पर मैं आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ बता रहा हूँ, आप चाहें तो इसको नोट करके लिख लीजिए। ठीक है, चाहे तो आप इसको नोट करके लिख लीजिए। अगर मैं आपसे बोलूँ मुझे कहीं जाना है, ठीक है मुझे कहीं जाना है, अगर मैं 10 किलोमीटर पर हावर से चलूँ पहले, तो मैं अगर मैं 10 किलोमीटर प्रति घंटे से चलूँगा, ठीक है, तो मैं बाबा वहाँ कितने में पहुँच जाऊँगा, वहाँ पहुँच जाऊँगा एक घंटे में पहुँच जाऊँगा। ठीक है, मतलब बोलने का मतलब मैंने बोला एक घंटे में पहुँच जाऊँगा। अब अगर मैं बोलूँ मैं पाँच किलोमीटर पर हावर की स्पीड से चलूँ, तो कितने घंटे में पहुँच जाऊँगा, तो आप बोलोगे पहले एक घंटा था, अब आधा हो गया है इसका, स्पीड आधी हो गई है, तो चाल, अब स्पीड आपकी आधी हो गई है तो चाल क्या होगी, मतलब समय क्या होगा, बढ़ जाएगा, यानी स्पीड अगर कम हो गई तो समय बढ़ जाएगा। ठीक है, समय बढ़ जाएगा, यानी कि आपने बोला चाल व्युत्क्रमानुपाती है समय की। अगर मैं चाल बढ़ाऊंगा तो समय घट जाएगा, और मैं समय अगर मान ली समय बढ़ाऊंगा तो चाल घट जाएगी। ठीक है, मतलब दोनों एक दूसरे के व्युत्क्रमानुपाती होते हैं, यानी कि विपरीत होते हैं। ठीक है, क्या होते हैं, विपरीत होते हैं। तो हमें क्या दिया है इस क्वेश्चन में, चाल दी है 4/5, इसका अनुपात दिया है। तो मैंने क्या बोला था, जो चाल होती है और समय होता है दोनों के एक दूसरे के विपरीत होते हैं, क्या होते हैं, विपरीत होते हैं। ठीक है, तो विपरीत का मतलब उल्टा होता है, यानी 5/4 होगी। देखिए मैंने क्या बोला था, देखिए जैसे मान लीजिए जितनी ज्यादा चाल होगी, अगर चाल पांच है तो समय लग रहा है 4। ठीक है, अगर चाल 4 है तो समय लग रहा है 5। अगर चाल बढ़ेगी तो समय घटेगा, अगर चाल घटेगी तो समय बढ़ेगा, चाल बढ़ेगी तो समय घटेगा, समय कम हो जाएगा, समय कम लगेगा। ठीक है, यहाँ कौन सा समझाने का मतलब मेरा ये है कि अगर आप कभी भूलें ना, क्योंकि इस प्रकार से समझा रहा हूँ, क्वेश्चन थोड़ा ज़्यादा समय जरूर ले रहा हूँ, लेकिन सही से समझाऊंगा मैं आपको। ठीक है, इससे आपको एक ही बार में समझ में आए, आप क्वेश्चन आगे आए तो आपको दिक्कत ना आए। ठीक है, अगर चाल ज़्यादा है यानी स्पीड ज़्यादा है, किसी ज़्यादा तेज़ी से मैं कहीं पर जा रहा हूँ तो जल्दी पहुँचूँगा, अगर मेरी स्पीड कम है, ठीक है, तो मैं देर से पहुँचूँगा, मेरी स्पीड कम है तो मैं देर से पहुँचूँगा, ज़्यादा समय लगेगा, स्पीड ज़्यादा है तो जल्दी पहुँच जाऊँगा। ठीक है, ओके, अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए अभी तो हमने देखा दो अनुपात दिए हैं, तो दो अनुपातों में हमने इजीली निकाल लिया है कि भाई समय और चाल का अनुपात क्या होता है, वो हमने इजीली निकाल लिया है। ठीक है,
अगर मान लीजिए 3 अनुपात दिए हो तो हम कैसे निकालें, जैसे कि 3 साइकिल दिए हैं, 3 साइकिलों का अनुपात दिया है 2:3:5 हो तो समय का अनुपात ज्ञात कीजिए। देखिए मैं इसको ट्रिक से कराऊंगा, वैसे तो ये आपको लेंथी पड़ जाएगा, लेकिन फिर भी मैं इसको ट्रिक से आपको क्वेश्चन कराऊंगा, ठीक है। ट्रिक से क्वेश्चन कराने का मतलब ये है, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन कराऊंगा मैं आपको। मान लीजिए हमारे पास 3 साइकिल है, नहीं है 3 साइकिल है हमारे पास, ठीक है, ये साइकिल हो गए, ठीक है। अब इनका चाल का अनुपात दिया है हमारे पास 2:3:5, हमें समय का अनुपात निकालना है। क्या निकालना है? समय का अनुपात निकालना है। तो सिंपल सी बात है, जब भी आप ऐसा करें, जैसे कि मान लीजिए मुझे 2 यहाँ पर 2 का अनुपात निकालना है, तो मैं क्या करता हूँ, इस चीज़ को यानी कि 2 को छुपा लेता हूँ, बचे 3 और 5, मैं इनका इंटू कर देता हूँ। 3 और 5 का इंटू करा, 5 3 15 आ गया, ये किसका आ गया, पहली वाली साइकिल का आ गया, ठीक है। अब मुझे 3 का चाहिए तो मैं इसको छुपा लेता हूँ, मतलब मैं इसको छुपा लेता हूँ, तो बचा कितना, 2 और 5, 5 दुनी 10। अब ऐसे ही इसको छुपा लेता हूँ तो 3 दुनी 6, तो अनुपात आ गया 15:10:6, तो इस समय का अनुपात आ गया है, ठीक है। अभी हमने क्या बोला था, देखिए पहले तो 2 मेथड था, तो हमने बोल दिया इसका उल्टा हो जाता है, इसका उल्टा हो जाता है। लेकिन इसमें क्या होता है, अगर मान लीजिए मैं यहाँ लिख देता 5 3 2, ऐसे लिख देता है यहाँ पर 5 3 2 लिख देता, गलत हो जाता। लेकिन अगर हमें इसका सही एग्जैक्ट निकालना है तो हम कैसे निकालेंगे, पहली वाली संख्या को ढकेंगे, इन दोनों का इंटू करेंगे तो ये पहला एक आ जाएगा, दूसरी संख्या को ढकेंगे तो पहली और तीसरी का इंटू करेंगे तो ये अति दूसरी वाली संख्या का आंसर आ जाएगा, और फिर तीसरी वाली का निकालना, तीसरी वाली को ढकेंगे, पहली दूसरी को इंटू कर देंगे, ठीक है, तो हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है फ्रेंड्स। ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया, सिंपल क्वेश्चन था, कोई भी दिक्कत नहीं हुई है इसका आपको। अब देखते हैं आगे और कौन सा क्वेश्चन है हमारे पास, ठीक है। देखिए फ्रेंड्स हमारे पास अगला क्वेश्चन है, एक व्यक्ति अपनी चाल का 4/5 चलकर 10 मिनट देरी से पहुंचता है, तो वास्तविक चाल से चले तो कितने समय में पहुंचेगा। बोलने का मतलब है वो क्या हो रहा था, देखिए एक व्यक्ति अपनी, मैं पढ़ लेता हूँ एक बार क्वेश्चन को, एक व्यक्ति अपनी चाल को 4/5 चाल चल चुका है, 5 चाल चलकर 10 मिनट देर से पहुंचता है, ठीक है, तो वास्तविक चाल से चले तो कितने समय में पहुंचेगा, यानी कि वो वास्तविक चाल से नहीं चल रहा है, ठीक है, यानी कि वो अपनी चाल चेंज कर चुका है। देखिए मैंने आपको बताया था कि अगर चाल क्या होती है, देखिए चाल बराबर दिया है, चाल बराबर दिया उसने हमें, चाल का कितना है, चाल का 4/5 उसने बोला है हमसे, तो देखिए वास्तविक क्या होगा, वास्तविकता में उसकी चाल होगी 5 और वो चल रहा है 4 से, अगर वो वास्तविक 5 थी और चल रहा है 4 से तो क्या क्या प्रॉब्लम होगी, ये होगा उसका, दिक्कत ये आएगी कि वो देर से पहुंचेगा, क्योंकि पहले वास्तविक 5 थी जल्दी पहुंचता, लेकिन अब किसने पहुंच रहा है 4, अब उसकी चाल हो गई है तो वो देर से पहुंचेगा, ठीक है, उसका बोलने का मतलब देर से पहुंच रहा है, ठीक है, 10 मिनट देर से, ठीक है। अब देखिए होता क्या है, जब भी ऐसा दिया हो, मतलब पहले बाद में, पहले पहुंचता है या बाद में पहुंचता है, आगे आगे आता है या बाद में आता है, ठीक है, ओके, हार जीत पास फेल, ठीक है, जल्दी और देर, ठीक है, हमेशा ये चीज़ क्या बताती हैं, ये चीज़ हमेशा बताती हैं अंतर, ठीक है, क्या बताती हैं, किसी चीज़ का अंतर बताती हैं, ठीक है, अंतर बताएंगी, ठीक है। अब देखिए अब हम कैसे इसको क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे ट्रिक के द्वारा, ठीक है। अब देखिए चाल लिख लेते हैं हम यहाँ पर, पहले लिख लेते हैं वर्तमान चाल और वास्तविक चाल, ठीक है, वर्तमान चाल और वास्तविक, देखिए वर्तमान चाल होगी 4 और वास्तविक चाल होगी 5, ठीक है। अब मैंने आपसे बोला था जो समय हमें निकालना है, हमें क्या निकाल लेते हैं, हम समय निकाल लेते हैं, समय का अनुपात निकाल लेते हैं, समय का अनुपात उल्टा हो जाएगा, 5/5
पाँच अनुपात चार हो जाएगा, ठीक है। हमने क्या कर लिया, पाँच अनुपात चार कर लिया है। अब मैंने आपको बताया था जब भी फेल पास, जल्दी बाद में, ठीक, जल्दी पहले, ऐसे मतलब कुछ भी आता है, ठीक है, हार जीत आता है, तो वो क्या बताता है, वो किसी भी चीज़ का अंतर बताता है। क्या बताता है, अंतर बताता है। इन दोनों में अंतर कितना है, एक का अंतर है, ठीक है। अब समय का अंतर एक आ गया, लेकिन हमारे पास दिया है 10 मीटर 10 मिनट देर से पहुंचता है, तो यहाँ पर कितना बोला, एक हमारा एक आ गया, हमारे पास अंतर आया एक, और यहाँ दिया कितना है 10 मिनट, कितना दिया है 10 दिया हुआ है, कितना दिया है 10 मिनट दिया हुआ है, ठीक है। तो अब देखिए, देखिए वास्तविक में क्या होगा, वास्तविक में क्या होगा कि 10 मिनट में वो, अगर हमें क्या चाहिए, हमें वास्तविक, इसने बोला है वास्तविक चाल ज्ञात कीजिए, तो वास्तविक चाल क्या हमारी है, चार, हमारी वास्तविक चाल क्या है, हमारी क्या है, चार है, चार है, समय जो चाल लगेगा वो क्या है, चार है, ठीक है। और वर्तमान कितनी है, पाँच है, कितनी है, पाँच है, ठीक है। हमें चाल ही तो निकालनी है, ठीक है। अगर वर्तमान में हम निकालते हैं तो देखिए 10 × 4 करेंगे तो ये 40 आ जाएगा, 40 मीटर आ जाएगा, ठीक है, 40 क्या आ जाएगा, मीटर आ जाएगा, ठीक है, उसने 40 मीटर आ जाएगा, ठीक है। और अगर हम कितना निकालते हैं, अगर 5 का निकालते हैं तो ये 50 आ जाएगा, ठीक है, कितना जाएगा, 50 आ जाएगा, ठीक है। हमने ऐसे इसको निकाल लिया, हमने इसका डिफरेंस निकाला, डिफरेंस निकालने के बाद इसका इंटू कर दिया जो हमसे पूछ रहा है वो, ठीक है। तो उसने बोला वास्तविक चाल से चले गए, चले तो कितने समय में पहुंचेगा, समय में पहुंचेगा, ठीक है, समय उसने पूछ लिया है। तो समय मतलब ये वाला, ये नीचे वाला समय है, उसने पूछ लिया है, ठीक है। अब मैंने निकाल लिया, ठीक है, वास्तविक का निकाल लिया और वर्तमान का भी निकाल लिया, ठीक है। समय हमेशा किसमें आएगा, मीटर या सेकंड में आएगा, ठीक है, मिनट या सेकंड में आएगा, ठीक है, जो भी आपका ऑप्शन दिया हो, या मिनट में दिया हो या सेकंड में दिया हो, तो आप उसको निकाल सकते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। ओके, अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। देखिए ये वाला जो कॉन्सेप्ट है वो भी नया कॉन्सेप्ट है हमारे लिए, ठीक है, इसको भी हम पढ़ेंगे। देखिए, एक व्यक्ति यात्रा का 1/4 भाग बस द्वारा, 1/3 भाग रेल द्वारा, तीस 20 किलोमीटर की दूरी पैदल तय करता या करेगा। तो यात्रा में कुल कितनी दूरी तय करी, देखिए उसने हमें भाग दिए हैं, क्या दिए हैं, भाग दिए हैं, और एक दिया है 20 किलोमीटर वो पैदल चलता है, ठीक है। तो हम यहाँ पर लिख लेते हैं बस के द्वारा, रेल के द्वारा, और पैदल वो चला ही है, ठीक है, शेष तो चला ही है, ठीक है। बस के द्वारा चला उसने 1/4, और पैदल रेल से चला 1/3, ठीक है, और शेष जो है 20 किलोमीटर उसका बचा हुआ है, ठीक है, वो चलेगा, ठीक है, इसको हम बाद में ऐड करेंगे, पहले हम इसको देखें। तो क्या करते हैं, हम इन दोनों को ऐड कर देते हैं, ठीक है, ऐड करते हैं, एलसीएम आया 12 का भाग दिए 4 में 3 का भाग दिए 12 में 4, तो ये 7/12 हमारे पास आ गया है, ठीक, कितना आ गया, 7/12। तो देखिए उसने हमसे बोला है कि कितना दूरी टोटल तय करिए, लेकिन हमारे पास उसने दूरी सिर्फ किस चीज़ की दी है, शेष दूरी दी है, शेष दूरी मतलब जो बची हुई दूरी है, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, जो हमारे पास एलसीएम होता है वही हमारी यात्रा होती है, क्या होती है, टोटल यात्रा होती है, टोटल यात्रा मतलब जो टोटल यात्रा है वो कितनी होगी, 12 है, टोटल यात्रा 12 है, और हमारे द्वारा अभी तक चली गई दूरी है 7, ठीक है, 7 है। तो देखिए अगर मैं टोटल में से चली हुई दूरी को घटा दूं तो बची हुई दूरी आ जाएगी, अगर मैं टोटल में से चली गई दूरी घटा दूं तो बची हुई दूरी आ जाएगी, तो बची हुई दूरी कितनी है, 5 भाग आ गया, ठीक है। तो ये 5 भाग कितना है, 20 किलोमीटर के बराबर है, ठीक है,
तो हम एक का निकाल लेते हैं, तो एक का निकालेंगे, पांच का भाग देंगे, पांच पांच दूनी दस, पांच तीन पंद्रह, पांच चौक 20 किलोमीटर, ठीक है 20 किलोमीटर आ गया। एक का हमारे पास 20 किलोमीटर आ गया, एक भाग का 20 किलोमीटर आ गया। अब यहाँ पर टोटल भाग कितना है, 12 भाग है। टोटल भाग कितना है, 12 भाग है। तो कितना आएगा, 12 × 4, ठीक है कितना आएगा, 12 × 4 यानी 12 × 6 = 48 किलोमीटर आ जाएगी पूरी डिस्टेंस। टोटल डिस्टेंस कितनी आएगी, 48 किलोमीटर आ जाएगी। ठीक है, तो ये सिंपल से क्वेश्चन है, सिंपल से क्वेश्चन को करने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। बस मैं ये कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ वो आप पकड़ लीजिए, उसी से करिए, इसके अलावा किसी चीज़ मत करिए, क्योंकि ये बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। अगर आप करने जाएंगे इसको कन्वेंशनल मेथड से करेंगे तो आपको दिक्कत आएगी। ठीक है, आप ऐसा करिए, बिल्कुल सॉल्व होगा इजीली तरीके से। ठीक है, और अगला क्वेश्चन ले लेते हैं हम। देखिए अगला क्वेश्चन है, एक एक 1200 मीटर लंबी रेलगाड़ी किसी व्यक्ति को 1 मिनट में पार करे तो उसकी चाल क्या करो। देखिए क्वेश्चन बहुत सिंपल है, लेकिन बस कॉन्सेप्ट थोड़ा सा इसका अभी चेंज हुआ है, कॉन्सेप्ट मैं आपको समझाऊंगा। देखिए कभी भी आप लिख लीजिए, जैसे मान लीजिए कोई ट्रेन है, ठीक है ओके, अगर कोई भी ट्रेन है वो किसी इंसान को क्रॉस करे, किसी पर्टिकुलर इंसान को या पोल को क्रॉस करे, तो हमें उसकी डिस्टेंस नहीं दी हो, अगर नहीं दी है, अगर दूरी नहीं दी है, ठीक है, तो हम कैसे पता करेंगे कि इसकी दूरी कितनी है। क्योंकि हमारे पास क्या 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 चाहिए होता है, हमें दूरी चाहिए होता है, समय चाहिए होता है, चाल चाहिए होती है, हमें इन तीनों में से दो चीज़ चाहिए होती हैं, ठीक है हमें तीसरी चीज़ निकालने के लिए। तो हमें अगर मान लीजिए दूरी नहीं दी है तो हम क्या करेंगे, जो इसकी ट्रेन की दूरी होगी, अभी कितनी दूरी है 1200 मीटर की, जिसकी लंबाई है, ये दूरी नहीं है, ये ट्रेन की लंबाई है, हम इसी को दूरी मान लेंगे। क्या मान लेंगे, इसी को दूरी मान लेंगे। जब भी क्या होगा, अगर कोई पोल या व्यक्ति को कोई ट्रेन क्रॉस कर रही है तो हम ट्रेन की लंबाई को दूरी मान लेंगे, ठीक है ओके। अगर यहाँ से देखिए, अगर ये यहाँ से यहाँ पर एक जीरो पॉइंट है, ठीक है, यहाँ से चली ये ट्रेन यहाँ तक, ठीक है, अब ये यहाँ से यहाँ तक चलेगी तो ये कितना होगा, 1200 मीटर चल चुकी होगी, तो इसको हम प्लस कर लेंगे 1200 मीटर को, ठीक है, ये यहाँ पर चलेगी, इस साइड चल रही है, ठीक है ओके। देखिए तो अगला देखिए, और एक और दिक्कत है हमारे पास इसमें, यहाँ पर दिया 1 मिनट, तो 1 मिनट में 60 सेकेंड होते हैं। मैंने बताया मिनट में हम यूनिट कभी नहीं लेते, सेकेंड में लेते हैं या फिर आवर में लेते हैं, ठीक है। अब क्वेश्चन हमें मीटर में दिया है तो हमने इसको सेकेंड में कन्वर्ट कर लिया है, ठीक है, और जब हमारा क्वेश्चन का आंसर आ जाए तो आप ऑप्शन में देख कर उसको लगा सकते हैं, या फिर अगर आप ऑप्शन किलोमीटर में दिया है तो पहले से आप चेंज कर लीजिए, एक मिनट को आप घंटे में चेंज कर लीजिए, या फिर आप क्वेश्चन को सॉल्व करने के बाद जिस भी हिसाब से दिया हुआ है, अगर मीटर, अगर देखिए अभी हमें मीटर प्रति सेकंड में निकालेंगे तो आप 1 किलोमीटर प्रति हावर के लिए 15/18/5 का आप इंटू कर सकते हैं बाद में, ठीक है, जो आंसर आएगा उसके हिसाब से, ठीक है। तो देखिए हमें हमें क्या दिया हुआ है, हमें पहली बात तो स्पीड नहीं दी हुई है, ठीक है, हमें डिस्टेंस दी है भाई, 1200 मीटर दी है, रेल की डिस्टेंस तो है हमारे पास, व्यक्ति की डिस्टेंस नहीं है लेकिन रेल की डिस्टेंस है हमारे पास, ठीक है। टाइम यानी समय दिया है, 60 सेकेंड दिए हैं हमारे पास, ठीक है, तो स्पीड हमें निकालनी है। स्पीड कैसे निकालते हैं, डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो डिस्टेंस 1200 मीटर टाइम 60 सेकेंड, 0 0 का ऑर्डर दिया, 6 × 12 और ये 20, कितना आ गया, 20 आ गया। अब इसमें यूनिट क्या आई, 120 क्या था, मीटर में था, ये हमने सेकेंड में निकाला था, तो क्या आ गया, मीटर प्रति सेकेंड में आ गया, ठीक है। तो ऐसे हम यूनिट भी निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं आती है यूनिट निकालने में, क्योंकि अगर मान लीजिए पेपर एग्जाम्स में आपको कंफ्यूज कर दिया जाए, 20 मीटर प्रति सेकेंड के अगर आ गया किलोमीटर रख दिया है, तीनों चार ऑप्शन सेम सेम हो, दो तीन ऑप्शन सेम सेम अगर रख दिया उसने ऊपर नीचे,
अगर यूनिट को ऊपर नीचे कर दिया उसने, ठीक है, या फिर इसको मीटर और किलोमीटर में कर दिया या कुछ भी कर दिया, तो दिक्कत आ जाएगी, ठीक है, ओके। क्योंकि यूनिट कभी सेकंड मीटर प्रति सेकंड, सेकंड मीटर, देखिए सेकंड मीटर में नहीं आएगी, ठीक है, इसमें आएगी मीटर प्रति में। तो आपको पहले हमारा आंसर आ गया है 20 मीटर प्रति सेकेंड का, ठीक है, सही यूनिट निकाल ली हमने, ठीक है। तो आज हमारा ये चैप्टर था जो बेसिक था, वो आज हमने बेसिक क्लियर करा, ठीक है। और इस बेसिक को क्लियर करने समझ में आता है कि आपको अच्छा लगा होगा, क्योंकि देखिए बेसिक जो रहता है थोड़ा सा फॉर्मूले बेस्ड रहता है, और थोड़ा सा ट्रिक को भी मैंने इसमें एब्जॉर्व करा है और आपको समझाया है सरल भाषा में। तो आई होप आपको समझ में आया होगा, और अगली वीडियो में और भी जल्दी से जल्दी लेके आऊँगा और भी आपको प्रोवाइड कराऊँगा अच्छी वीडियोस। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरी वीडियो को आप लाइक कीजिए, जितना हो सके उतना शेयर कीजिए, जितनी आपके पास व्हाट्सएप फेसबुक ग्रुप में उन्हें शेयर कीजिए, जिससे और लोगों को भी फ़ायदा हो। और कमेंट कीजिए कि किस टाइप के क्वेश्चन चाहिए या किस टाइप का आपको इस वीडियोज़ में बदलाव चाहिए, ठीक है फ्रेंड्स। थैंक यू फ्रेंड्स वॉचिंग दिस वीडियो।